हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं पपाया यानी कि पपीते की सब्जी। ये बहुत ही हेल्दी एक रेसिपी है और इस गर्मी में तो बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए जानते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसे बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स है पपाया। तो मैं यहाँ पे पपाया ले ली हूँ, उसका छिलका अच्छी तरह से निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। साथ में ली हूँ कुछ बॉयल आलू। अब चलिए इसे बनाते हैं। तो एक कढ़ाई गरम करके उसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल को कर लेंगे गरम और उसमें ऐड कर देंगे 5 फोड़न। अब जो पपाया हम लोग काट के रखे थे वो इसमें ऐड करके कलर चेंज होने तक कुछ मिनट इसे फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करते समय गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम में ही रखें। तो इस तरह से कुछ मिनट फ्राई करने के बाद पपाया का जब कलर चेंज हो जाए तब इसमें जो बॉयल आलू रखे थे वो ऐड कर देंगे। साथ में ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक और फिर से इसे चला लेंगे। फ्रेंड, ये बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है और हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद तो है ही। तो आप लोग भी घर पे एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इस तरह से कुछ मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे पानी, क्योंकि पपाया हम लोग का बॉयल नहीं है तो इसलिए पपाया को बॉयल करने के लिए पानी ऐड कर देंगे और इसे कवर करके कुछ मिनट पका लेंगे। गैस का फ्लेम लो में रख के 15 मिनट तक इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और 15 मिनट बाद इसे चेक कर लें। तो यहाँ पे हमारा जो पपाया है बिल्कुल बॉयल हो गया है अच्छी तरह से। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड पेस्ट। फ्रेंड, इस गर्मी में हमारे पेट के लिए पॉपी सीड बहुत ही फायदा करता है। पेट को ये ठंडा रखने में मदद करता है। तो देखते ही देखते पपाया का सब्जी बनके रेडी हो गया है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर 1 टीस्पून सरसों का तेल ऊपर से ऐड कर देंगे। उसके बाद कवर करके स्टैंडिंग टाइम में कुछ मिनट रख के इसे गर्मा गर्म सर्व कर लें। सो फ्रेंड, आशा करती हूँ आज का ये समर स्पेशल पपाया की सब्जी आप सबको पसंद आया होगा। आप लोग भी घर पे एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।